नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर कुछ लोगों ने कमेंट किया था दोस्तों कि सर मेरा जो नंबर है जब मैं प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ तो 50-55 ही आ पा रहा है, तो क्या ऐसे में मेरा रिजल्ट हो पाएगा? तो देखिए, 50 और 55 में दोस्तों रिजल्ट होना संभव नहीं है, सामान्यतः तो नहीं हो पाएगा रिजल्ट, है ना। अगर कोई चमत्कार हुआ तब हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार होने वाला है नहीं। तो आप ये मान के चले कि इतने कम में रिजल्ट नहीं होगा। तो अब आप लोग का ये सवाल होगा कि सर तो हम लोग करें क्या, तैयारी छोड़ दें? तो बिल्कुल नहीं, हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हारना है आपको। करना क्या है ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं पूरी तरह से बताऊंगा क्या क्या करना है और आपका स्कोर जो है वह कैसे इंक्रीज हो सकता है, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा, और कितना नंबर लाना पड़ेगा आपको मैं इस पर भी चर्चा कर लूँगा इसी वीडियो में, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि अभी देखिए एग्जाम में दोस्तों आपका बचा हुआ है लगभग 40 दिन कम से कम, है ना, लेकिन जिसका लास्ट में एग्जाम होगा उसके लिए बचा हुआ है लगभग 60 दिन 55 दिन, ठीक। तो ये मान के चलिए कि अगर आपका लास्ट में होने वाला एग्जाम है तो आपको 15 से 20 दिन का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है, और अगर आपका शुरू में एग्जाम होने वाला है तो 15 से 20 दिन का आपका नुकसान होने वाला है, ठीक ना। तो मैं दोनों के लिए बात करूंगा। यहाँ पर मैं पहले जिसका पहले होगा उसके लिए बता दूँ कि देखिए आपको करना क्या है। मान के चलिए कि आपका 50 से 55 नंबर आ रहा है, तो आपको करना क्या है, आप अपने स्कोर को 65 के लगभग पहुंचाइए। कहने का मतलब यह है कि 10 नंबर आपको बढ़ाना पड़ेगा, और कब बढ़ाना पड़ेगा अब उसके लिए आपको अलग से समय नहीं दिया जाएगा। ये जो 40 दिन या जो लास्ट वाले हैं उनको 60 दिन मिलेगा, इसी 40 से 60 दिन में आपको अपना 10 नंबर बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाना है मेन बात ये है ना, बढ़ाना तो है, डेफिनेटली बढ़ाना है, क्योंकि जब तक बढ़ाएंगे नहीं रिजल्ट होगा नहीं, लेकिन कैसे बढ़ाना है इसको, है ना, चमत्कार तो होने वाला है नहीं, तो इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग को एक चीज़ देखने को मिलता होगा मेरे वीडियोज़ में कि आप बाबू प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। मैं बार बार क्यों कहता हूँ प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट एकमात्र ऐसा साधन है कि कम समय में आपका स्कोर इंक्रीज कराएगा। बाकी किताब पढ़ेंगे, आपको एक किताब को पढ़ने में 6 महीना लग जाएगा, तब जा करके आपका 8 से 10 नंबर बढ़ेगा, ठीक। लेकिन आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका, देखिए आपका नंबर कहाँ रुकता है, आपका बहुत ऐसा क्वेश्चन होता होगा जो लगता होगा कि आ रहा है और वो नहीं कर पाते हैं, वो गलत हो जाता है। तो वैसे क्वेश्चन की संख्या कम से कम 5 से 6 होती है सारे बच्चों के लिए, मैं बता रहा हूँ। जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं उससे 2-3 कम होता है, और जो छोड़ छोड़ के पढ़ते हैं वो तो 7-8 ऐसे क्वेश्चन उनको मिल जाते हैं जो कन्फ्यूजन में वो गलत कर देते हैं। तो उसी को आपको रिपेयर करना है। वो रिपेयर कैसे होगा भाई? तो वो रिपेयर होगा प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट। प्रीवियस ईयर को मैं पहले दूर रख देता हूँ, मैं पहले प्रैक्टिस सेट की बात करता हूँ। तो वो रिपेयर मेन रूप से होगा आपका प्रैक्टिस सेट से। जब प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन रोटेट होकर बार बार आपके सामने आएगा, तो जो आप गलत कर रहे थे, जो आप कन्फ्यूज हो रहे थे, वह होना बंद हो जाएगा। फिर आपका जो नंबर है वह स्वतः दोस्तों बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब फिर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर हम 2 महीना से लगा रहे हैं प्रैक्टिस सेट तैयो नहीं बढ़ रहा है। देखिए नहीं बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कमजोरी है, और उसी कमजोरी को तो पकड़ना है, और उस कमजोरी को पकड़ लिए बस काम फिनिश, है कि नहीं। तो उस कमजोरी को कैसे पकड़ेंगे? जो आपका क्वेश्चन गलत होता है उसको भाई साहब आप किताबों में देखिए। जैसे आप पढ़े कि भारत का पहला वायसराय कौन था, है ना, आपको लग रहा है कैनिन है, या आपको लग रहा है कि ये विलियम वेंटिंग है, या आपको लग रहा है माउंटबेटन है, ये कन्फ्यूजन बना रहेगा आपको। तो आप मान लीजिए गलत मार दी तो उसको आप किताबों में सर्च करिए। आप क्या करते हैं कि वहीं पर छोड़ देते हैं कि अच्छा इसका ये माउंटबेटन नहीं था, ये वाला था, तो चलो याद हो नहीं। उसको किताबों में सर्च करिए, गूगल पर सर्च करिए, कहीं भी आप सर्च करिए। तो सर्च करने से क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा, आप अगले बार भूलेंगे नहीं। तो ऐसे कर करके जो आपका गलत होता है, जहां आप कन्फ्यूज होते हैं, उस चीज़ को आप मजबूत कर लेंगे, और फिर देखिए आपका 40 दिन में बिल्कुल 10 से 12 नंबर आपका ऐसे बढ़ेगा लगेगा कि जादू हो गया। तो इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लें दोस्तों कि आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो नंबर है वह इंक्रीज हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं दूसरी बात कर लूँ कि एक और तरीका है, ये वाला तो आपको रखना ही है, इसी के पैरेलल आपको एक चीज़ और करना है। क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर जरूर लगाना है।
प्रीवियस ईयर से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो मान के चलिए कि आप प्रैक्टिस सेट से 8-9 क्वेश्चन अपना सुधार लेते हैं और 4-5 क्वेश्चन आप सुधार लेते हैं प्रीवियस ईयर से, तो कहीं ना कहीं आपका 12-13 क्वेश्चन, आपका 14 क्वेश्चन लगभग सही हो जाता है। ठीक, तो अभी आपका कितना रहा था 50 से 55, अगर आपका 12-13 भी आ जाता है, मान के चलिए 14 ना आ पाए 12-13 है, तो आपका ये हो जाएगा ना कि 65 प्लस आपका सही होने लगेगा। तो 65 प्लस आपका सही हो रहा है और आप कैटेगरी में हैं, जनरल में हैं तो थोड़ी दिक्कत होगी, अगर आप कैटेगरी में हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई 90-95 रिजल्ट नहीं जाएगा, सीट बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग आपको 90-95 वाले मिलेंगे, अफवाहों से बच के रहिए, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ही आप ध्यान दीजिएगा केवल। तो इस तरीके से आप इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर, और जो गलत हो रहा है उसको किताबों में पढ़िए, है ना, तो ऐसे करके आप अपने स्कोर को बेहतर कर सकते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिन भाइयों का 50 नंबर तक आ रहा था वो हताश और निराश थे, मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर मेरा 45 आ रहा है, मेरा 50 आ रहा है, सर मेरा 55 आ रहा है, कुछ लोग का 60 आ रहा है, मैं क्या करूं, दिमाग नहीं काम कर रहा, परीक्षा का डेट नज़दीक है। तो देखिए, परेशान होने से कुछ नहीं मिलता है, है ना, बेचैन होइएगा, परेशान होइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा, इसका एकमात्र सॉल्यूशन है आप जितना प्रैक्टिस सेट लगाएं। देखिए, अब तक जो आपको भाई पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब आप नया पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप हो जाएंगे पीछे। अब 40 दिन में आप नया क्या पढ़ेंगे, अब आप लोग कमेंट करते हैं कि सर किताब बता दीजिए, अब इन 40 दिन में मैं किताब बता भी दूँ तो आप उस किताब को पढ़ पाएंगे क्या, ना तो उस किताब को पढ़ पाएंगे और ना ही प्रैक्टिस सेट लगा पाएंगे और ना ही प्रीवियस ईयर लगा पाएंगे। तो जिस किताब को आप पढ़ रहे थे, चाहे जो भी किताब हो, उसी को कंटिन्यू रखिए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। और मैं फिर जाते जाते आप लोग को बता दूं कि प्रैक्टिस सेट भाई साहब रोज़ लगाइए, एक से कम ना चले दो लगाइए, सुबह लगाइए, शाम लगाइए। जैसे आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या लिखता है, 3 गोली सुबह और 3 गोली शाम, तो उसी प्रकार से आपका भी कमज़ोर है रिटेन, है ना, 50 नंबर वाले हैं आप, तो एक सेट सुबह और एक सेट शाम रोज़ लगाइए, रोज़ लगाइए। एक महीना फ़ोन कॉल इधर उधर सब छोड़ दीजिए, आप केवल और केवल फोकस करिए प्रैक्टिस सेट पर और प्रीवियस ईयर पर, और जो पहले से पढ़ रहे हैं उसी को रिवीजन, 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 ये चीज़ आप अपनाइए और फिर बताइए हमको कैसे नहीं बढ़ता है नंबर। बिल्कुल बढ़ेगा नंबर भाई, यही तरीका है नंबर बढ़ाने का, और कोई जादू नहीं है, किताब खोले और फला फला सब याद हो गए, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। अगर कोई कह दे कि मैं बस किताब देखता हूँ सब याद होता है, नहीं, ये संभव नहीं है। किताब कहता है कि भैया अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। किताब को आप अगर पढ़ना छोड़िएगा तो वो आपसे दोगुनी गति से आपसे दूर जाएगा, भागेगा। तो नहीं, आप बार बार प्रीवियस ईयर लगाइए, ज़्यादा ज़्यादा प्रीवियस ईयर लगाइए और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, जो अब तक आपने पढ़ा है उसी को पढ़िए, नया पढ़ने की कोशिश ना करिए। अब ये नहीं कि वो पढ़ लें, वो पढ़ लें, वो पढ़ लें, ऐसे पढ़ने के चक्कर में जो आपको याद है वह चल जाएगा, आप 50 नंबर ला रहे हैं, परीक्षा में पता चला 48 पर सिमट गए, तो ये नहीं करना है, लड़ना है, रिजल्ट तक जाना है, देखते हैं कैसे नहीं होगा। आप ये वाला रूल जो है फॉलो करके देखिए, आपका 10 से 15 दिन में ही स्कोर में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। फिर आप कमेंट करिएगा कि हाँ सर 50 आ रहा था, आज 54 आया है, आप खुद कमेंट करने आएंगे मेरे इस वीडियो पर। तो आप इतना करिए, उसके बाद फ़र्क आप खुद महसूस करेंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैं ये बता दे रहा हूँ, और जिनका 60 दिन बचा है, जो आखिरी वाले हैं, वो ये मत सोचिए कि हमारा तो 60 दिन बचा है, 20 दिन बाद हम इकम्मा शुरू करेंगे, नहीं, आप भी आज से ही शुरू कर दीजिए। कम नंबर आ रहा है तो उसका सोल्यूशन है, बार बार रिवीजन करिए, नहीं बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा, आप बस एक बार फॉलो करके तो देखिए। हाँ, अब ज़्यादा दिन भर मोबाइल में रहिएगा, दिन भर शॉर्ट्स चलाइएगा, रील्स चलाइएगा, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। जो पढ़ेगा, जो रूल फॉलो करेगा, जो बार बार प्रीवियस ईयर लगाएगा, रिजल्ट तो उसका होगा ही। अब आप चलाएंगे शॉर्ट्स और रील तो भाई हो जाएगा ढील, समस्या हो जाएगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा पढ़ने पर और स्कोर बिल्कुल बढ़ेगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।